से जलमग्न था, पानी के अंदर था। लोगों को सिर्फ गुंबद दिखता था, लेकिन अब 30 सालों के लंबे इंतजार के बाद पानी जैसे ही कम हुआ, पूरा का पूरा मस्जिद पानी से बाहर निकल आया। जो भी इस मस्जिद की खबर सुनता है, एक बार इसे देखने की चाहत जरूर रखता है। इसके पास जाना फिलहाल थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतने सालों तक पानी में होने की वजह से कीचड़ और दलदल ने यहाँ की स्थिति खराब कर दी है। नवादा के फुलवरिया डैम के पास चंदौली गांव के समीप 30 साल से पानी में डूबा मस्जिद पूरी तरह से दिखने लगा। मस्जिद दिखने की खबर जब आसपास के गांव में आग की तरह फैली, तो खबर सुन मुस्लिम परिवार अपने परिवार वालों के साथ इस मस्जिद का दीदार करने डैम किनारे पहुंचने लगे, और बीते कुछ दिनों से ये मस्जिद चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग कीचड़ में घुसकर मस्जिद को नजदीक से देखने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कीचड़ और बीच बीच में पानी होने के कारण वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और दूर से ही दीदार कर वापस लौट आ रहे हैं। जो हल्दिया डैम में मस्जिद के बारे में जो चर्चा, उसके बारे में क्या जानते हैं? उस मस्जिद में हम नमाज पढ़े हैं, हमारे दादा परदादा के टाइम में मस्जिद बना हुआ, हम लोग उतना खुश नहीं है। सरकार वहाँ से उजाड़ दिया हम लोग 84 में, वहाँ से उजाड़ कर हम लोग हल्दिया में आए। मस्जिद का क्या नाम है? नूरी मस्जिद। दरअसल फुलवरिया डैम का निर्माण वर्ष 1984 में कराया गया था। इससे पहले इस जगह पर बड़ी मुस्लिम आबादी हुआ करती थी। जमीन अधिग्रहण कर सरकार द्वारा डैम का निर्माण कराया गया था। उस वक्त इस आबादी को दूसरी जगह शिफ्ट करा दिया गया था, लेकिन डैम बनने के बाद मस्जिद को यूं ही छोड़ दिया गया था। पानी भरने के कारण मस्जिद का सिर्फ गुंबद दिखाई पड़ता था, और अब जलस्तर घटने के कारण पूरी मस्जिद दिख रही है। नवादा से प्रतीक भान की रिपोर्ट, बिहार तक।